सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सराय डिजिटल नेटवर्क। सो आज बात करेगा मेरा बाइक के बारे में, दैट इज द सुजुकी वी स्टॉर्म SX250। आज आप सभी के साथ शेयर करते हैं इसका प्रोज कॉन्स एंड थिंग्स दैट कैन बी इम्प्रूव्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो ये बाइक को हमने परचेज किया था 20 अगस्त 2024 में एंड टोटल किलोमीटर्स हमने इसको चला लिया है 2973। सो आज इस बाइक को हो चुका है लगभग 2 महीना एंड इस बाइक में हमने देखा है, हमने इतना टूरिंग किया है, कहाँ कहाँ गया, मेरे साथ एडवेंचर किया हमने एंड लॉन्ग जर्नी भी हम जा के आए। तो आज इस बाइक का 2973 किलोमीटर्स के आधार पर हम आप सभी को बता पाएगा कि इसमें क्या अच्छा है एंड क्या खराब है एंड शुड यू बाई दिस बाइक और नॉट। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं प्रोज के बारे में। तो नंबर वन पे है इसका इंजिन। इसमें आप सभी को मिल जाता है 249cc का ऑयल कूल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 26.5 PS ऑफ पावर एंड 22.2 Nm ऑफ टॉर्क। एंड इंजन के बारे में बात करने से सुजुकी का इंजन है तो बहुत ही रिलायबल है एंड एकदम बटर स्मूथ इंजन है। और हाईवे का परफॉर्मेंस का बात करने से इस इंजन में आपको थोड़ा भी आपको पावरलेस फील नहीं करेगा। हाईवे में इसका अच्छा खासा पावर है, अच्छा से क्रूज कर सकता है। मेरा मैक्स स्पीड इसमें था 125, इससे आगे हम लेके नहीं गया, बट उसमें भी ये बहुत ही आराम से चला गया एंड उससे आगे भी ये जाएगा। एंड अगर आपको हाईवे में ओवरटेक करना है तो आपको डाउनशिफ्ट करने का ज़रूरत नहीं है, आप आराम से थ्रॉटल को देके आराम से ओवरटेक कर सकता है। कुछ केसेस में आपको डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा, अदर देन दैट ये आराम से बहुत अच्छा से आपको ओवरटेक करा देगा। एंड इसका आइडियल क्रूजिंग स्पीड जो है वो है आपको 80 to 120 के बीच में। एंड अगर आप चाहते हैं कि 6 स्पीड में आप आराम से 70-80 में क्रूज़ करना चाहते हैं या 60 में भी, तो आराम से इसमें भी ये हो जाता है। और हिल्स का पावर का बात करने से जो पहाड़ का, तो पहाड़ में भी ये आपको थोड़ा भी पावरलेस फील नहीं करेगा या इसमें कोई पावर लैग नहीं है। आराम से ये बाइक कोई भी टाइप का टेरेन हो आराम से ये आपको खींच के ले जाएगा। इसमें इस टाइप का सिस्टम नहीं है कि आपको पिकअप टू पिकअप बना के जाना पड़ेगा। अगर कहीं में आपको लगता है कि आपका बाइक पावर नहीं ले रहे, तो आप जस्ट डाउन शिफ्ट कर दो एंड एक्सीलेटर देने से ये आराम से आपको ले कर चला जाएगा। उस टाइप का पावर है इसमें, ये आपको पिकअप टू पिकअप बनाने का ज़रूरत नहीं है। एंड ये हमने मेरा पुराना वाला वीडियो में भी बताया है आप सभी को, ये बहुत ही आराम से आपको लेके जा सकता है। आसान शब्दों में इसका पावर का बात करने से इट्स अ वेरी पंची इंजन इन हिल्स ऑल्सो। सेकेंड प्रो है इसका लुक्स एंड डिज़ाइन। तो अगर हम इसको कंपेयर करूँ बाकी 250cc सेगमेंट का बाइक से, तो इसमें जो है बहुत ही बढ़िया लुक्स आ जाता है उनका कंपेयर में, क्योंकि सुजुकी ने जो है इस बाइक को टूरिंग के लिए निकाला है तो इसमें काफ़ी ADV का एलिमेंट्स डाल दिए, जिसका वजह से कहीं से भी नहीं लगते कि ये एक छोटा बाइक है, ये आपको बहुत ही बड़ा बाइक का फील देता है। एंड इससे जो है इस बाइक का रोड प्रेजेंस काफ़ी बढ़ जाता है, तो जब आप इसको रोड में लेके जाएगा तो काफ़ी लोग एक बार आपको मुड़के ज़रूर देखता है। एंड इसका जो है राइडिंग पोस्चर का बात करने से, क्योंकि हम लोग जो है बहुत हाइट में बैठता है, तो उसका वजह से जब आप इसको रोड में लेके चलता है तो आपको बहुत ही कमांडिंग व्यू मिलता है, यू फील लाइक द बॉस ऑफ द रोड। थर्ड प्रो में आ जाता है इसका हैंडलिंग। इसका जो हैंडलिंग है ना, बहुत आराम है। देखने में तो ये बहुत बड़ा बाइक लगता है, बट जब आप एक बार इसको चलाएगा ना, ये बहुत आसानी से आप इसको चला सकते हैं। इनिशियली जब हम भी बाइक खरीदने गए थे, तब हम भी सोचा था कि इस बाइक को हम कैसे चलाएगा, बहुत बड़ा लग रहा है, बट एक बार जब हमने इसको चलाया ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं। ट्रैफिक में भी आराम से मैनूवर हो जाते हैं, चाहे ऑफ रोड बोलो या पहाड़ का ट्विस्ट्स एंड टर्न्स बोलो, बहुत आराम से आप इसको चला सकता है। तो सुजुकी का इंजीनियरिंग को मानना पड़ेगा कि बाइक तो इन्होंने बहुत बड़ा बना दिया, बट हैंडलिंग जो है इसका आराम है, बहुत आराम है। आपको ऐसा लगेगा कि आप जिक्सर 250 चला रहे हैं या कोई FZ बाइक चला रहे हैं। सो नंबर 4 पे आ जाता है ब्रेक्स। अगर आप एक बाइक परचेस कर रहे हैं एंड दैट टू स्पेशली फॉर टूरिंग, तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आपका बाइक्स का ब्रेक अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इंडिया में यूजली लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, कोई भी कहीं भी मुड़ जाता है विदाउट गिविंग एनी प्रॉपर इंडिकेटर। तो उस केस में अगर आपका बाइक्स का ब्रेक अच्छा है, देन यू कैन अवॉइड दैट इंसिडेंट। मेरा केस में जो है इस बाइक का ब्रेक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली द फ्रंट ब्रेक। इसका जो फील एंड फीडबैक जो है ना, एकदम एक्यूरेट है एंड इसका जो बाइट है ना, टोटली एग्जैक्ट है, जहाँ मारते हैं वहीं अच्छा से रुक जाता है। एंड इसका जो ABS जो है वो भी बहुत ही अच्छा से काम करता है, जिस वजह से सेफ्टी जो है बहुत बढ़ जाता है। सो नंबर 5 पे आता है इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस। इस बाइक में मिलता है आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जिस वजह से है इस बाइक का जो ये जो हाइट है काफ़ी है, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा कि आपका बाइक नीचे में लग जाएगा बोल के। तो आप इसको कैसे भी रोड हो, चाहे ऑफ रोड सेक्शन हो, टूटा फूटा रोड्स हो, या पथरीला रोड हो, या कीचड़ भरा रोड हो, कैसे भी रोड में आप इसको आराम से लेके जा सकते हैं। एंड
जो आपका सिटी में जो बड़ा बड़ा स्पीड ब्रेकर्स होते हैं अब उसको एकदम हेलो बोल के जा सकता है। तो 6 नंबर में आ जाता है हर एक इंडियन का सवाल, दैट इज कितना देती है। तो इस बाइक में आ जाता है आपका 12 लीटर्स का टैंक एंड इसका जो सीसी है वो है 249 सीसी का इंजन। तो जब हम इसको एक बार गुवाहाटी लेके गया था तब हमने इसमें माइलेज टेस्ट किया था, तब उसमें हमने 100, 110, 120 तक भगाया था, तब हमने इसमें माइलेज रिकॉर्ड किया था एंड इसने हमको दिया था 38 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया था। एंड जब हम इसको पासीघाट लेके गया था वो भी हाईवे था, उसमें मेरा क्रूजिंग स्पीड था लगभग आपको 50 to 60 एंड उसमें भी टैंक टू टैंक कैलकुलेट करने पे इसने हमको दिया था माइलेज, आप विश्वास नहीं करेगा, 49 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया था उसने हमको। एंड उसके बाद जब हम यहाँ में लोकल रन्स करता है तब ये इजीली हमको 30 से 35 के बीच में दे देता है। तो दो इसका टैंक कैपेसिटी छोटा है बट क्योंकि इसका माइलेज अच्छा है तो बात सेम ही हो जाता है कि हम लोग इससे अच्छा डिस्टेंस कवर अप कर सकते हैं एक फ्यूल अप में। सो नंबर 7th एंड द फाइनल प्रो है कि ये बाइक बहुत ही अच्छा टूरर बाइक है। तो अगर आप एक बाइक ढूंढ रहे हैं 250 टू 300 का सेगमेंट में तो ये बाइक वन ऑफ द बेस्ट बाइक है टूरिंग के लिए, क्योंकि इसमें आप बहुत ही कंफर्टेबली टूरिंग कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं एंड आपका पिलियन भी कंफर्ट कर सकते हैं। इसका पावर, इसका वेट, इसका लुक्स, इसका डिज़ाइन के हिसाब से आप बहुत बढ़िया इसमें टूरिंग कर सकते हैं एंड साथ ही साथ इसमें बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है जिससे आप अपना टूरिंग को और भी आरामदायक बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें क्रैश गार्ड लगा लो, क्रैश गार्ड के बाद इसमें आपका जेरिकेन होल्डर्स आ सकता है, यू कैन हैव योर टैंक बैग्स हेयर, उसके बाद यहाँ पर टॉप बॉक्स, उसके बाद यहाँ पे आप अपना पैनियर या तो सैडल बैग्स का सेटअप कर सकते हैं जिससे आपका टूरिंग बहुत ही आराम से हो सकता है एंड आपका लगेज भी सॉर्ट आउट है, तो इससे आप बहुत बढ़िया टूरिंग कर सकता है। ओके सो हम लोग ने बहुत अच्छा प्रोज गिना लिया, अब चलते हैं कॉन्स की तरफ। तो सबसे पहला कॉन इस बाइक का ये है कि सुजुकी ने जो है इस बाइक में सेंटर स्टैंड नहीं दिया, इतना बड़ा बाइक दे दिया साथ में 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दे दिया, तो एक सेंटर स्टैंड दे देना चाहिए था। क्योंकि अभी इस बाइक को हम लोग जब टूरिंग लेके जाएगा तो इस बाइक का वेट एंड साथ ही साथ जो लगेज का वेट होगा वो पूरा इस सिंगल स्टैंड पे ही होगा। एंड अगर मान लीजिए टूरिंग के बीच में पीछे वाला टायर में कोई प्रॉब्लम आ गया तब उसको चेंज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, साथ ही साथ अगर हम लोग को चेन ल्यूब करना होगा तब भी बहुत सारा प्रॉब्लम आने का चांसेस है। तो आई थिंक कि इसमें एक सेंटर स्टैंड होना चाहिए था। तो जो सेकेंड कॉन इस बाइक का वो ये है कि सुजुकी ने जो है इस बाइक में जो है रियर टायर हगर नहीं दिया। अब हमको ये वाला बात थोड़ा समझ में नहीं आया, सुजुकी ने है अपना जिक्सर SF 150 250 में भी दे के रखा है एंड नॉर्मल जिक्सर में भी दिया है जबकि इसी बाइक में नहीं दिया, क्योंकि जिस हिसाब से सुजुकी ने इस बाइक को एडवर्टाइज़ किया है, इसको ऑफ रोडर और एडवेंचर बाइक बोला है, उस हिसाब से तो इसमें टायर हगर देना चाहिए था क्योंकि सबसे ज़्यादा कीचड़ तो यही बाइक में उछालना है। तो अगर इसमें एक टायर हगर होता तो जो भी कीचड़ है वो हम लोग का सामान और पिलियन राइडर में नहीं आना था। तो मेरा हिसाब से इसमें एक टायर हगर देना चाहिए था, ये सेकेंड कॉन। इस बाइक का थर्ड कॉन है इस बाइक का हेडलाइट। दो इस बाइक में आपको LED सेटअप आता है फिर भी इसका जो थ्रो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। सिटी में आप जैसे तैसे इसको मैनेज कर लेगा एंड लोकल एरियाज़ में, बट जब आप हाईवे में निकलेगा तो आपको तब पता चलेगा इसका थ्रो इतना अच्छा नहीं है। तो अगर आप टूरिंग में जाने से आई रिकमेंड कि आप इस लाइट का भरोसे में मत जाओ, आप एक ऑक्सिलरी लाइट ज़रूर लगा के जाओ। तो नंबर 4th में आ जाता है इस बाइक का सीट हाइट। तो इस बाइक में आता है 835 mm का सीट हाइट। तो अगर आपका हाइट 5.5 या 5.6 से कम है तो आपको तकलीफ होगा कि आपका दोनों पैर जो है ज़मीन में नहीं पहुँचेगा, तो आपको इस बाइक को जो है हैंडल करने में तकलीफ होगा। अभी बहुत से लोग का ये कहना है कि इससे भी ज़्यादा हाइट का बाइक हमने चलाया है एंड मेरा पैर एक पहुँचता है। देखिए सिर्फ बाइक का सीट का हाइट नहीं, उसका विथ से भी बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। जिस बाइक का आप बात कर रहे हैं शायद उसका सीट हाइट ज़्यादा होगा लेकिन उसका जो है विथ कम होगा। इस बाइक में सीट हाइट भी ज़्यादा है एंड इसका विथ भी बड़ा है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इस बाइक में एक ऑप्शन आता है सुजुकी के पास, वो है आपको लो सीट हाइट असेंबली सीट बोल के एक आता है, वो आप लगा सकते हैं जिससे इसका हाइट जो है आपको 20 mm कम होगा, बट फिर वही बात आ जाएगा कि आप इसका कुशन और कंफर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। तो आई रिकमेंड कि जब आप ये बाइक लेने जाएगा एक बार इसका टेस्ट राइड ज़रूर लेना। तो द 5th कॉन ऑफ दिस बाइक, सिर्फ बाइक नहीं बोलूँगा इस ब्रांड, डेट इज सुजुकी का ब्रांड है कि इनका जो पार्ट्स अवेलेबिलिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है।
इन कंपैरिजन टू अदर ब्रांड्स लाइक यामाहा और टीवीएस और रॉयल एनफील्ड, इनका पार्ट्स ना जल्दी मिलता नहीं है। सी रेगुलर पार्ट्स जैसे ब्रेक पैड्स हो गया या जो सर्विसेबल पार्ट्स है वो तो मिल जाएगा, लेकिन उसका अलावा अगर कोई पार्ट्स होता है देन यू विल हैव टू वेट। फॉर इंस्टेंस, हमने जब इसका डबल स्टैंड नहीं आता बोल के हमने जिक्सर 250 का स्टैंड मंगाया था, 150 का, तो हमने मंगाया वो डीलर में अवेलेबल ही नहीं था। फिर उसको है एक महीना डेढ़ महीना रुकने के बाद स्टैंड आया। फिर वो सिर्फ स्टैंड आने से नहीं होता है, इसमें आपको बोल्ट्स चाहिए, स्प्रिंग चाहिए, क्या क्या चाहिए वो सब हम लगाने के लिए, अब वो पार्ट्स कहीं भी अवेलेबल नहीं है। हम मेरा जगह का बात नहीं कर रहे, हमने इसको नीचे प्लेन्स में भी जाके ढूंढा है तो कोई भी शोरूम में अवेलेबल नहीं था। एंड सिमिलरली इसका जो ये रियर टायर हगर है जो जिक्सर में आते हैं वो हमने प्रोक्योर करने का कोशिश किया है, वो भी हम 3-4 शोरूम में पता कर चुका है कहीं भी अवेलेबल नहीं है। एंड आने का कोई भी संभावना हमको अभी तक अपडेट में मिला नहीं है। तो अगर आप सुजुकी या कोई भी पार्ट्स या कोई भी गाड़ी रखता है, आई मीन बाइक्स या स्कूटी, तो थोड़ा ध्यान रखो दैट यू ड्राइव इट केयरफुली, क्योंकि अगर कुछ हो गया ना आपका वो टू व्हीलर बहुत समय तक खड़ा रहने वाला है। ये एक सबसे बड़ा डाउनसाइड है सुजुकी का। गाड़ी में सुजुकी इज़ द बेस्ट, बट टू व्हीलर में सुजुकी में ये चीज़ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब नंबर 6 में हमने इस कॉन को इसलिए रखा क्योंकि हमको श्योर नहीं है कि ये सिर्फ मेरा बाइक के साथ है ना सब बाइक के साथ है। जब हम इस बाइक को चलाते समय में यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ग्राउलिंग साउंड आते हैं, यहाँ कहीं नीचे से यहाँ आगे का तरफ से, तो हमको ये डाउट है कि ये बाइक में ऐसा आता है या सिर्फ मेरा बाइक में प्रॉब्लम है, ये हमको थोड़ा डाउट है। इसलिए इसको हम एज अ 6 में रखा है। तो अगर आपके पास सुजुकी वी स्ट्रॉम है तो हमको बताओ कि एक अलग से ग्राउलिंग टाइप का नॉइस वो आता है ना नहीं आता है। ऑलराइट, सो ये हो गया हम लोग का प्रोज एंड कॉन्स। अभी बात करते हैं थिंग्स दैट कैन बी इम्प्रूव्ड इन दिस सुजुकी वी स्ट्रॉम SX 250। सो थिंग्स दैट कैन बी इम्प्रूव्ड, तो नंबर 1 में है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। देखो 2.5 लाख का बाइक है तो आई फील कि हमको कुछ अलग मिलना चाहिए एटलीस्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जहाँ सब इंफॉर्मेशन आता है। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, इवन 150cc का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इससे अच्छा आता होगा। तो ये आपको कोई चीज़ का याद दिला रहे ना नहीं दिला रहे, अभी आप सभी को दिखाते हैं। यहाँ खड़ा है एविनिस, देखो ऑलमोस्ट सेम है दोनों, यहाँ फ्यूल इंडिकेटर ये सब सेम, सब कुछ सेम है। सो आई थिंक कि जब हम एक इतना प्रीमियम प्राइस दे रहे हैं एंड सुजुकी का छोटा बाइक्स में सबसे प्रीमियम बाइक खरीदता है 250cc में, तो आई थिंक ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो इनको इम्प्रूव करके देना चाहिए था। सो जो सेकेंड चीज़ इस बाइक में इम्प्रूव किया जा सकता है वो है इस बाइक का हॉर्न। देखने में तो इतना बड़ा बाइक है लेकिन जब हॉर्न मारने पे आओगे तो इतना छोटा हॉर्न है। अभी तो फिलहाल ये कॉम्पैक्ट जगह है बोल के आपको बहुत सुनाई दे रहा होगा, लेकिन सीरियसली जब हाईवे में मारते ना बहुत कम है, साउंड सुनाई भी नहीं देते, ऐसा टाइप का है। गाड़ी वाला लोग को तो डिप्पर मारना पड़ता है तब जाके उनको दिखाई देता है। तो ये बहुत एसेंशियल चीज़ है क्योंकि ये एक सेफ्टी में आ जाता है, स्पेशली टूरिंग जाएगा तो यू नीड अ गुड हॉर्न ना। तो आई होप कि जब हम लोग का इस बाइक पे अपडेट आएगा तब सुजुकी इसको भी अपडेट कर देगा। थर्ड थिंग दैट कैन बी इम्प्रूव्ड इन दिस बाइक एज फॉर टूरिंग पर्पसेस वो है इसका वाइजर। इसका वाइजर जो है अगर आप 70-80 के बीच में चला रहे तब तो ठीक है, लेकिन आप अगर उससे ज़्यादा स्पीड में जाता है तो आपको विंड बफेटिंग का इशू बहुत ही ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि ये आपको इतना बड़ा नहीं है ना एज़ कम्पेयर्ड टू हिमालयन एंड ऑल, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है तो इसमें आपका जो विंड प्रोटेक्शन है ना बहुत कम है। तो ये एक चीज़ है जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है एज अ टूरिंग पर्पस। सो नंबर 4th थिंग जिसको आप जैसे भी हो अपग्रेड करना चाहिए वो है इसका ये सस्पेंशन, फ्रंट सस्पेंशन। इसका जो है 120mm सिर्फ है एंड इसका आप ट्रैवल देखो इतना छोटा है, एक ADV बाइक बोलता है या एक टूरिंग बाइक बोलता है इतना छोटा ट्रैवल, ये तो बहुत कम है। हाई स्पीड पे या मेजर बम्प्स में तो ये ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा आपका शॉक एब्जॉर्बर्स ना, तो आई थिंक इसका ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। तो आई होप कि सुजुकी जो है अपना नेक्स्ट अपडेट में इसको भी ध्यान में रखेगा। ओके, सो दैट्स इट विद द वीडियो ऑफ प्रोज कॉन्स एंड थिंग्स टू इम्प्रूव।
ये जितना भी जो इस वीडियो में ओपिनियन दिया है या पॉइंट्स दिया है वो सब मेरा है बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशन, शायद किसी का मैच नहीं होता होगा, बट ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है इस बाइक के साथ जो हमने टाइम बिताया है, इसको चलाया है 2 months एंड 2973 किलोमीटर्स। एंड इस बाइक का ऊपर में एक पॉइंट आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस बाइक को इसका हाइट और इसका हैंडलिंग को सोच के नहीं लेना चाहता है या डाउटफुल में है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि एक बार शोरूम जाओ एंड इस बाइक का टेस्ट राइड ज़रूर करो, तब आपको समझ में आएगा कि हम आगे क्या बोल रहा था। एंड इस बाइक को लेना है या नहीं लेना है, सबसे पहले तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या नीड्स है, आपको क्या चाहिए इस बाइक से, आप क्या करना चाहते हो बाइक से, तब आप जाके इसको लेना या नहीं लेना आपका डिसीजन बनता है। एंड मेरा डिसीजन में ये बाइक लेना है कि नहीं लेना है बोलने से, अगर आप इसका जो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का जो झंझट है उसको आप कोप अप कर सकता है, उसको आप सह सकता है, तो आप ये बाइक ले सकते हैं। अदर देन दैट, देन आई थिंक यू शुड चेंज योर डिसीजन। सो दैट्स इट विद द वीडियो। सो होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द सराय डिजिटल नेटवर्क चैनल। टिल देन, साइनिंग ऑफ सराय डिजिटल नेटवर्क, बाय।